आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी थेरेपी के बारे में, एक ऐसी हीलिंग थेरेपी के बारे में जो कि आपके शरीर से जटिल रोगों को भी दूर कर सकती है, आपके शरीर को लंबे समय तक जवान रख सकती है। और ये थेरेपी है फ्रिक्शन थेरेपी, यानी कि घर्षण थेरेपी। जी हाँ, अगर ये थेरेपी, ये क्रिया आप 5 मिनट के लिए भी डेली करते हैं तो आपके शरीर में नई चुस्ती फुर्ती आएगी, आपके वाइटल ऑर्गन सही तरीके से काम करेंगे और साथ ही साथ आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। वेल, हमारा शरीर भला चंगा रहे, हम स्वस्थ रहें और हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज हमारे पाँचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और अगर हमारे शरीर में ये 5ों तत्व बैलेंस में है तो शरीर भला चंगा रहता है, स्वस्थ रहता है, जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती है। और जो दूसरा मेन रीज़न है बीमारियों का, वो है शरीर के हर एक हिस्से तक, हर एक वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड का सही से फ्लो ना होना। कई बार हमारे शरीर में ब्लड प्रवाह में, रक्त के प्रवाह में कुछ अवरोध आ जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड में ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है या ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि अर्थराइटिस, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रेन प्रॉब्लम, जैसे कि पेन्स, इन्फ्लेमेशन, ये सब होने लगती है। अगर ब्लड सही तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए जो थेरेपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, घर्षण क्रिया, वो ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करती है, शरीर के हर हिस्से तक, हर कोने तक ब्लड को पहुँचाती है और साथ ही साथ आपके शरीर में 5ों तत्वों को भी बैलेंस करती है, जिससे कि आपको कोई बीमारी जल्दी से नहीं होती, आपके शरीर का हर एक वाइटल ऑर्गन अपने ऑप्टिमम तरीके से काम करता है। तो चलिए बताती हूँ ये घर्षण क्रिया कैसे करनी है। घर्षण क्रिया आपको करनी है अपने हाथों पर, अपने पैरों पर और अपने कानों पर। हाथों, पैरों और कानों पर ही क्यों? क्योंकि यहीं पे होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करते हैं, जो कि आपके शरीर में 5ों तत्वों को भी बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हाथों पर करके बताती हूँ। फर्स्ट जो आपको स्टेप करना है वो है आपको ये वाले हिस्से अपने फिंगर्स के, दूसरे फिंगर के इन्हीं हिस्सों से, यानी कि फिंगर टिप्स से आपको मिलाने हैं। और ये वाला हिस्सा जो है हथेली का ऊपर वाला हिस्सा, ये भी टच करेगा, बीच का हिस्सा भी टच करेगा यहाँ से। ये यहाँ पर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी हथेली के तीनों कोनों पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, जो भाग उठे हुए हैं बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके यहाँ पर। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे, टिप्स को मिलाएंगे। ये आपको 10 बार करना है। मिला लिया, अच्छे से आप दबाएंगे और फिर रिलीज करेंगे, फिर से दबाएंगे और रिलीज करेंगे, फिर से दबाएंगे और रिलीज करेंगे। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है इस तरीके से। जिनको बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है या किसी काम में मन नहीं लगता है या फोकस नहीं कर पाते हैं जो लोग, उनके लिए ये घर्षण क्रिया बहुत बहुत अच्छी है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी है। थायरॉयड या PCOD की प्रॉब्लम, जिसमें हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके लिए भी ये क्रिया बहुत बहुत अच्छी हुई है। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप करेंगे क्लैपिंग, और क्लैपिंग कितनी बार करेंगे? क्लैपिंग करेंगे 30 टाइम्स इस तरीके से। क्लैपिंग जब करें तो आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टच होने चाहिए इस तरीके से। क्लैपिंग करने के बाद हम देंगे इस एरिया को मसाज। मसाज कैसे देंगे? अपने सभी फिंगर्स को इस तरह से रब करेंगे 30-40 सेकेंड्स के लिए। और 30-40 सेकेंड्स में आपको यहाँ पर बहुत सारी वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाएंगी, आपको ये हिस्सा आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और उसके बाद आप मसाज कहाँ देंगे? यहाँ पर इस तरह से हाथ को फेरेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे पर फेरेंगे, आंखें बंद करेंगे और ये वाइब्रेशंस फील करेंगे। एक नई ताजगी, एक नया आराम आपको मिलेगा, एक नई शक्ति आपको मिलेगी। दोबारा से करेंगे, ये मसाज आपको देनी है तकरीबन 3 से 4 बार
इस तरीके से। फोर्थ स्टेप है फिंगर मसाज। फिंगर्स पर कुछ नहीं करना आपने, जस्ट फिंगर्स को आपने इस तरह से दबाते हुए बाहर की तरफ खींचना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना कि दर्द ही होने लगे, लेकिन हाँ हल्का प्रेशर देना है। यहाँ पर भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली आपकी लोअर बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है उनको इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे हाथ पर भी करेंगे। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये अपने हाथों के साथ साथ अपने पैरों में भी करने हैं। पैरों को भी दोनों पैरों के टोज को भी इस तरह से टच करना है, एंड देन क्लैपिंग पैरों से भी करनी है। हाथ से सपोर्ट देके कर सकते हैं शुरुआत में, और उसके बाद आप मसाज भी देंगे और फिंगर्स को इस तरह से आप हल्का हल्का खींचेंगे भी। अब बढ़ते हैं ईयर फिक्शन थेरेपी की तरफ। आपके कानों में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप अपने कानों को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपके कान की शेप होती है वो माता के गर्भ में लेटे हुए बच्चे की तरह से होती है, और हमारे कानों पर बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको स्टिमुलेट करके आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इस तरह से ईयर पुलिंग। ये आपको दोनों कानों पर 3 से 4 बार करनी है, पूरे ईयर की पुलिंग करेंगे। फिर आप कान के पीछे मसाज देते हुए, इस तरह से पीछे मसाज देते हुए आगे की तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ पर हल्का सा प्रेशर देंगे। पीछे मसाज करते हुए आगे की तरफ लाएंगे और कान के यहाँ पर, जहाँ पर कान का बिल्कुल सेंट्रल एरिया होता है, वहाँ पर हल्का सा प्रेशर देंगे। ये आपको 4 बार करना है, दोनों कानों पर आपने ये फ्रिक्शन थेरेपी देनी है। और उसके बाद आप करेंगे कानों को बंद अपने हाथों से और फिर खोलेंगे। ये भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। अपने हाथों को हल्का सा वार्म कर लेंगे और फिर कान के ऊपर फिंगर रखेंगे इस तरीके से, फील करेंगे वाइब्रेशंस एंड फिर खोल लेंगे। फिर से हाथों को वार्म करेंगे और अपने कानों पर रखेंगे और उसके बाद रिलीज़ करेंगे। ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है। तो इस तरीके से ये घर्षण क्रिया करके आप अपनी बॉडी में 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ रक्त के प्रवाह को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार।